एफआईआर कौन लिखेगा जी? आप क्या हो गया ये बिंदु कैमरा लूटे बहुत जोर दिया बिंदु की वो मार ईट तो और फिर ईट से मारो टेल तक 3020 में। रिसेंटली तुमने एक वीडियो देखी होगी अरुण पवार की, जिसमें वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता हुआ है कि भाई हुंडई शोरूम में जेएमवी हुंडई अलीपुर में कैसे अजीत पवार और उसके दो भाइयों के साथ मारपीट होती है। और भाई मेरे हिसाब से एक प्री प्लान्ड अटैक था, क्योंकि उसमें से एक बंदे के पास जिसको बोल रहे गार्ड था उसके पास रिवॉल्वर थी और उस रिवॉल्वर से उसने बट पे मारा अजीत पवार के, जिससे उसका सर खुल गया और खून खून हो गया और बहुत सीरियस इंजरीज हुई अजीत पवार, जिसमें वो रिवॉल्वर वाला बोलता है कि इनको मार दो कमरे में ले जाके बाकी मैं देख लूंगा। अंदर ले चलो कमरे में मार दो मैं अपना देख लूंगा। बाकी रिवॉल्वर लेकर मारपीट है तो ठीक है, इतनी चौधरा ठहरा है वो किसी को फंसा को नहीं दिखे। भाई सप्ताह जी बात तो यह है कि अरुण पवार हर तरह की वीडियो बना हुआ अच्छी बुरी हर शोरूम पर हर एजेंसी पर हर सर्विस सेंटर पर जाकर, और कोई भी शोरूम कोई एजेंसी वाला कोई सर्विस वाला उसको कुछ नहीं बोलता, बस जेएमबी हुंडई वाले ही उसके साथ क्यों मारपिटाई करते हैं, ये कोई पर्सनल रीजन है या फिर कोई और सीन है इसका। हमने अजीब ना लग गया बात कि कोई शोरूम वाला कुछ नहीं बोलता अरुण पवार को वीडियो के लिए, बस जेएमबी हुंडई वालों को इतनी गर्मी चढ़ रही है वो मारपिटाई करते हैं उसकी फैमिली के साथ। और तुमने अगर इसका पूरा रीजन जानना है तो भाई पूरे वीडियो देखियो, इसमें पूरे ढंग से बताऊंगा तुमने के सीन है। और भाई जो मैं वीडियो में वो मेरा ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन है, तारा अलग हो उसका, तो अपना कमेंट में ऑब्जर्वेशन ओपिनियन जो भी है बता दियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ भाई पूरा इशू का और अपडेट दे देता हूँ अभी तक हो क्या रहा है। अरुण पवार ने अभी दिसंबर में क्रेटा ली थी, जिसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे एसी को लेके, और क्रेटा की एक एक साल की वेटिंग है, तो उन्होंने होटल से गाड़ी ली थी और होटल दूर पड़ता उनसे, उन्होंने सोचा कि इतनी दूर जाएंगे सर्विस अपना अलीपुर में करा लेंगे हमारे एरिया के पास है, और वो शोरूम का नाम था जेएमवी हुंडई, और ये जो सर्विस जेएमवी हुंडई में हुई थी इसकी वो वीडियो बनाता है और पूरा अपने एक कस्टमर एक्सपीरियंस शेयर करता है, भी कितना टाइम लगा कितनी कॉस्ट आई क्या अच्छा था क्या बुरा था सब बताता है, जो कि नॉर्मल वीडियो होती है उसकी। और वीडियो आने के बाद भाई हुंडई जेएमवी हुंडई वाले उसको प्रेशराइज करने लगते हैं और भाई पुलिस केस भी कर देते हैं उसके ऊपर कि भाई वीडियो हटाओ अपनी। ये सब पुलिस केस होने के साथ के साथ चल ही रहा था भाई, फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि चलो कोई, उसी टाइम पर क्रेटा में टेक्निकल प्रॉब्लम आने लगती है, जिसके लिए वो कॉन्टैक्ट हुंडई शोरूम वाले उनको बोलते हैं भाई आ जाओ आप, आपकी गाड़ी वगैरह जो हम ठीक कर देंगे अच्छे से। जो इंसिडेंट होता है ये 11 मार्च को उस टाइम स्टार्ट होता है वो शोरूम में जाते हैं गाड़ी ठीक कराने के लिए। गाड़ी तो ठीक करी ना बेचारा अजीत भर दिया उन्होंने, क्योंकि कोई बातचीत होती है कि भाई गाड़ी ठीक करोगे नहीं करोगे, तो वो रूडली बिहेव करते हैं भाई नहीं करेंगे ठीक, तो वो अपने जाने लगते हैं गाड़ी लेके। उसी टाइम एक ग्रुप आता है भाई, वो बोल रहे कि 15-17 आदमियों का ग्रुप है, वो आता है और उनको पकड़ के सीधा बाहर खींच के मार पिटाई करना चालू कर देता है बिना बात के, जिसमें वो बोलते हैं कि हम तो ये सब कोई चीज कर भी नहीं रहे क्यों मार पिटाई कर रहे हो, वीडियो तो बनाई भी नहीं हमने अभी पहले जो था सारी बात साथ ही साथ चल रही है, फिर भाई उनका इतना जोश चढ़ा है वे मानना है वो मार पिटाई पे चालू रहे, प्लस उनके फोन फान भी तोड़ दें, और इस चीज में भाई जो भी कार्रवाई होती है उनको साइड से उनकी फैमिली की साइड से वो हो रही है, हुंडई की तरफ से भी हो रही है और पुलिस की तरफ से भी हो रही है। और अब तुम्हें इशू समझ आ गया होगा प्लस अपडेट अब तक की ये। और अब बात करते हैं अपने रीजन की, जो तुम्हें पहले बताया था कि ये पर्सनल है फिर और कोई सीन है, अब बताते हैं इस वीडियो में। ऐसी दोगली कंपनी जो पाकिस्तान में जाके ट्वीट करती है कश्मीर आजाद करो और आतंकवादियों को शहीद बताती है, वही कंपनी इंडिया में आके शोरूम माफिया चलाती है और इतनी महंगी गाड़ी बेच कर अगर कस्टमर कुछ बोल दे तो स्टाफ से कहकर उसकी पिटाई लगवाती है। अगर मेरी हुंडई की तारीफ आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। जो एक टाइम शोरूम माफिया टाटा चलाता था वो आजकल हुंडई ने जिम्मेदारी संभाल रखी है, और तुमने लगता होगा जो अजीत पवार वाला केस है वो नया केस है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो तुम गलत हो, ऐसे 2-3 बार केस हो चुके हैं और वो यूट्यूब पे भी पड़े अगर तुम सर्च करोगे तो, के अलावा और बहुत सारे केसेस जो सोशल मीडिया पे आते ही नहीं है। सेम केस भाई 1-1.5 साल पहले टाटा मालवा ने किया था, जो की अपने कस्टमर के साथ उसने मार पिटाई कर दी थी सेल्स मैनेजर ने, सोच लो तो, और वो भी यूट्यूबर इंटेलेक्चुअल इंडीज करके एक चैनल है उसका भाई था। जितने भी 1000-2000 रिव्यूज थे वो टाटा ने हटवा दिए थे उसी टाइम। अगर तुम चाहते हो तो तुम भी ऐसा सेम कर सकते हो, जेएमवी गूगल रिव्यूज पे जाके उसके बाद नेगेटिव रिव्यूज डाल, बाकी देखते हैं वो हटवा पाता है या नहीं। मैंने तो अपना गूगल रिव्यू जेएमवी हुंडई में जाके डाल दिया, तुम भी नेगेटिव रिव्यू डाल दो जाके। और तुम नोटिस कर रहे होगे यूट्यूब पे शोरूमों के ऊपर इतनी सारी वीडियोस भरी पड़ी हैं, ऐसा क्या हो गया कि शोरूम एक शोरूम माफिया बनता जा रहा है और इतनी यूट्यूब वीडियोस उसके ऊपर आ रही हैं? एकदम तो जो इतना चेंज आया है, जो हाथ जोड़कर शोरूम में खड़ा रहते थे आजकल वो ही हाथ उठा रहे हैं तुम्हारे ऊपर। और क्या रीजन है कि कार डिलीवरी का शोरूम कार शोरूम माफिया बनता जा रहा है? इसके पीछे 2 रीजन है जो तुमने पता होने चाहिए। पहला रीजन है कोरोना काल और सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज होना, जिसका डायरेक्ट फायदा हो रहा है शोरूम और कंपनी वालों को। और ये जो शोरूम माफिया है अकेला हुंडई नहीं चला रहा, हर कंपनी चला रही है अगर तुम नोटिस करोगे तो। इंडिया में अगर तुम कार शोरूम में कार सर्विस कराने जाते हो तो उसकी जो सेटिस्फेक्ट्री रेट है वो ओनली 15% है ऑल ओवर इंडिया, जो कि सबसे कम है।
है। इन शॉर्ट हर दूसरा आदमी इंडिया का कार शोरूम की सर्विस से तंग है। अब तुम सोचते हो यार ये सब तो हमने ही बेरा, तो कोई नई चीज बता। तो भाई मेन इसके दो रीजन है। एक पहला रीजन है हिम्मत इनको मिलती है जो कंपनीज होती है उनसे। कंपनी कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती इन शोरूम के अगेंस्ट, इसलिए ये शोरूम से शोरूम माफिया बन जाते हैं और कंपनी भी बंदी होती है। भाई इतना मोटा इन्वेस्टमेंट, इतना मोटा पैसा इन्वॉल्व होता है एक शोरूम के अंदर। एक शोरूम इनको 50 से 100 करोड़ तक का कमा के देता है साल में, तो वो एक कंप्लेन क्यों मानेंगे जो कि उनको एक 50 से 100 करोड़ का लॉस करा दे। और तुम गूगल कर लेना कि एक कार शोरूम खोलने में कितनी कॉस्ट आती है। और कोई भी बड़ी कार कंपनी इंडिया की, उसका मोटा पैसा मिलता है गाड़ी बेचने से, ना कि सर्विस से। सर्विस से कमाता है जो शोरूम वाला है वो। इसलिए तुम्हें देखने को मिलेगा अपने डिस्ट्रिक्ट में कि कार शोरूम ज्यादा दिखेंगे ना कि कार सर्विस वाले। और ये जो शॉर्टेज है इसकी वजह से स्टाफ और कस्टमर के बीच में तनातनाई हो जाती है, जिसमें या तो स्टाफ को निकाला जाता है या फिर कस्टमर की पिटाई हो जाती है और फिर वीडियो आ जाती है, जिस वजह से इतना बर्डन हो गया जहाँ पे एक गाड़ी की जगह वहाँ पे 4 से 5 गाड़ियां एट अ टाइम सर्विस होती है। ये चीज एक तरह से मोनोपोली क्रिएट करता है किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में। तुम देख लेना गिने चुने 4-5 ही ऐसे शोरूम सर्विस सेंटर होंगे जो सर्विस करते होंगे। और ये तुम्हारा लक है कि तुम 4-5 सर्विस में से किसी एक पे चले जाओ, एक को छोड़ के दूसरे पे चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन ही 5 सर्विस सेंटर के हैं तो तुम जाओगे कहाँ। उसकी वजह से इनकी साइकोलॉजी में इतना घमंड आ जाता है कि या तो इनकी चाट लो या इनका मुंह में मोटा पैसा मार दो, और या तो तुम तंग हो सको या फिर दूसरे सर्विस सेंटर के पास जा सको, लेकिन वो सर्विस वाला भी ऐसा ही मिलेगा। और ये जो शॉर्टेज की कंडीशन है इनकी आत्मिक पावर देती है जो कस्टमर के अगेंस्ट में होती है। और भाई तुमने कंप्लेन कर दी तो मतलब इनकी तो नाक के ऊपर बात आ जाएगी। पूरा जो शोरूम का या सर्विस सेंटर का जो स्टाफ होता है वो इस चीज से इतना ईगो पे लेता है कि भाई इन्होंने कंप्लेन कैसे कर दी हमारे खिलाफ। और ये जो जेएमवी हुंडई वाला केस हुआ है इसमें पूरा स्टाफ इन्वॉल्व है, इम्प्लॉय से लेकर जो उनका मैनेजमेंट स्टाफ होता है वो तक, क्योंकि मैनेजमेंट स्टाफ ने ही उनको कॉल करके बुलाया था कि अपनी गाड़ी लेके आ जाओ हम उसको सर्विस कर दें। भाई ये दो रीजन है, एक तो कंडीशन ऐसी है कोरोना काल और चिप शॉर्टेज की वजह से, दूसरा इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है। और इस शॉर्टेज की सीधा इफेक्ट इनकी सोच, और भाई ये प्री प्लान्ड अटैक हुआ उनकी फैमिली के ऊपर। मेन टारगेट तो अरुण कुमार था, वो बेचारा बच गया ना, वो भी हॉस्पिटल में पड़ा होता, उसकी जगह फंस गया अजीत पवार। क्योंकि तुम उनकी बात ना सुनोगे तो तुम्हें खुद पेरा लग जाए। उन दो भाइयों को उन्होंने कुछ नहीं बोला, उनको साइड खड़ा कर दिया और पीटा सिर्फ अजीत पवार को है। मैं तो आपके तेरे साथ देख रखा था वीडियो में, वो सिर्फ टारगेट में था, ये भी नहीं था मेरे को भी ज्यादा नहीं खा के खींच के एक तरफ कर दिया था, इससे मुझे हिट कर दिया, ये मेरे पास नहीं आ रहे थे यार मैंने दिया मेरे को। हम कहें कि भाई इसके साथ इसके पास कोई हाथ था भाई। अरुण पार का उस दिन भाई लक्की डे था जो बच गया भाई, ना तो उसकी दही बीतनी ना ना उसमें इतनी जाना भाई, वो बेचारा मासूम सा पिट जाता फालतू में, मन बुरा और लगता। बाकी भाई हुंडई के लिए एक ही बात है, हुंडई एक दोगला मामा है जो पाकिस्तान में जाके एंटी इंडिया कश्मीर आजाद कर दो और इंडिया में आके इंडिया के कस्टमरों को ही मार रहे। पर मेरी मानो तो दोगला मामा तो दूर रहो भाई। और अगर मेरी बात से सहमत करो हो तो कमेंट या फिर लाइक कर दियो, और ज्यादा अच्छी लगी तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दियो, ऐसी लॉजिक और ओपिनियन वाली वीडियो आती रहेगी। देख चला ले इसे। कैसे खुराक मांग रहा है? है तेरे बस की। साले जमीन में गाड़ दूंगा, देंगे घर वाले ढूंढते। किसका तू?